फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। नए नए शो की अपडेट निकल कर आ रही है, कुछ 2024 में ही दस्तक देंगे तो कुछ 2025 में दस्तक देंगे, जिनके प्रोमो अगर लास्ट में ईयर के आ जाएंगे लेकिन शुरू उनके 2025 में। ऐसे में आजकल चाहे किसी भी चैनल्स को ले लो, टीआरपी जल्दी से निकल नहीं पा रही है। फिर चाहे स्टोरी दमदार चल रही है या बोरिंग चल रही है या फिर स्टोरी को खींच रहे हैं। ऐसे में राजन शाही के शो की खबर निकल कर आई है कि राजन शाही अपना एक नए शो की तैयारी कर रहे हैं स्टार प्लस पे। स्टार प्लस पे उनके शो आते हैं जैसे अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, या इससे पहले बातें कुछ अनकही सी था, लेकिन वो अच्छे टीआरपी ना देने की वजह से बंद हो गया। तो ऐसे में खबर है कि राजन शाही ने 7 o'clock की डिमांड की। एट दिस टाइम्स स्टार प्लस पे 7 o'clock पर टीआरपी ज़्यादा अच्छी निकल कर नहीं आ रही है। ऐसे में 7 o'clock की मांगी है। ऐसे में जो 7 o'clock का शो है उसका जो उसे जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो उसका नवंबर में पूरा होना है। जितनी टीआरपी उससे मांगी है अगर वो नवंबर में कर देता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर वो भी शो जाएगा। तो उसी के बीच में जो है खबर निकल कर आई है कि राजन शाही के शो में कुछ कलाकारों के नाम सामने आए, जैसे कि आपके अनुराग झांझन। इससे पहले उडारियन की जो है शो सेकंड जनरेशन में नज़र आ चुके हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि राजन शाही को लगता है उडारियन की कास्ट ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि आपने छोटी आराध्या का जो रोल कर रही हैं वो भी उडारियन में थी, और जो उनके साथ हीरो था उडारियन में वही जो है राजन शाही अपने नए शो में शायद ले सकते हैं। इट्स नॉट अ फाइनल, ओनली अप्रोच हुआ है। कह सकते हैं कि अभी सिर्फ अप्रोच किया है, ऑडिशन लिए हैं, पूरा कंफर्म नहीं है, बट कह सकते हैं कि एक अच्छे एक्टर्स हैं। फिर बात करते हैं इनके अपोजिट जो नज़र आने वाले हैं वो है आपकी अंजलि ततारी। इससे पहले वंशज जैसे शो में जो है आ चुकी है नज़र, अब जो है राजन शाही के शो में जुड़ेगी, या मेरे डैड की दुल्हन जैसे शो में भी नज़र आ चुकी है। ऐसे में दोनों की जोड़ी पहली बार टीवी पे देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि राजन शाही किस शो का रीमेक करने वाले हैं, कैसी स्टोरी होने वाली है, तो चलिए बताते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आपके प्यारे से स्टार जलसा में शुभ बेबी भवई शुभ भवारी शो का नाम था स्टार जलसा, और उस शो की कहानी होगी कि पूरन विवाह जैसा भी हो सकता है या फिर एक डिवोर्स लड़की होगी और पहली शादी से खुश नहीं होगी, उसका पति कहीं ना कहीं परेशान करता होगा, अब फिर उसकी दूसरी शादी होगी और दूसरा हीरो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन दुनिया में सोच ये सब। अगर इस तरह की स्टोरी अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेघा बरसेंगे में आप देख रहे हैं, तो उस तरह की शायद स्टोरी आपको नज़र आए। अब भाई स्टोरी सामने आ गई है, पता चल चुका है किसका रीमेक होने वाला है, स्लॉट पता चल चुकी है क्या मांगी है, चैनल पता चल चुका है ये होने वाला है। अब बात आती है शो का नाम। अभी सोशल मीडिया में प्रेम लीला घूम रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रेम लीला होगा, मे भी हो भी सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो मेरी सोच है वो थोड़ा सा हटकर नाम रखने वाले हैं, थोड़ा सा बड़ा सा होगा। तो ऐसे में वैसे उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर एक प्रेम कथा नाम से डाला था कि एक प्रेम कथा शो आएगा, तो हो सकता है कि उसे शॉर्ट करके प्रेम लीला कर दिया हो सकता है। बाकी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे काफ़ी दिन पहले बताया था एक प्रेम कथा, और इस शो को प्रमोशन के लिए शायद शिवांगी जोशी और मोहसिन खान आएंगे। तो ऐसे में जो है अभी यही सामने आया है, बाकी डिटेल जैसे आएगी वो बताएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।